राजस्थान के श्रीगंगानगर की तहसील घड़साना के जोवारपुरा की 445 आरडी से कथित ठेकेदार द्वारा नहर की सफाई व वर्म कटिंग का ठेका नहरी विभाग छतरगढ़ द्वारा दिया गया था। ठेकेदार की लापरवाही से मिट्टी निकालने के बजाय वापस नहर में डाल देने से 21 सितंबर 2020 को चक 13 JWMS सिंचाई सुविधा नहीं मिल रही है। जोवारपुरा नहर में पानी शुक्रवार 18 सितंबर 2020 को छोड़ा गया था। नहर में मिट्टी से भरे हुए थैले लगाकर नहर को बंद कर दिया गया था। विगत 4 दिनों से नहरी पानी नहीं मिलने से किसानों की बारियां पिट गई हैं। नहरी विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। टेलों के किसानों को मजबूरन धरना सिंचाई विभाग के विरुद्ध लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा। श्रीगंगानगर से रवि कुमार डाका की रिपोर्ट, SKH न्यूज। निकाली नहीं, बताओ। नहर सुबह शुक्रवार की 3 बजे खुली है और 3 बजे शुक्रवार 18 तारीख 9वां महीना 2020 18 तारीख 9वां महीना वार शुक्रवार सुबह 3 बजे खुली है और टेल पर पानी आया है। आते ही क्या है कि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से जो ब्रह्म में जो मिट्टी थी साइड में थी, मिट्टी थी वो नहर के अंदर डाल दी उसने, और नहर के अंदर डालने से नहर ब्लॉक हो गई। ब्लॉक होने से नहर पीछे टूट गई और टूटने के बाद आगे टेल पे पानी पहुंचा ही नहीं अभी तक। और आज सोमवार है, आज सोमवार है, 9वां महीना है और अभी तारीख 21 है, तारीख 21 है और आज तक पानी नहीं पहुंचा। सोमवार 21 तारीख सितंबर 2020। ये सरपंच साहब हमारे ग्राम पंचायत बेवाड़ा के हमारे साथ है और जिम्मेदार। इस वीडियो को पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये घड़साना नई मंडी घड़साना पंचायत समिति के अधीन ग्राम ग्राम पंचायत 6ZW6ZWM बेवाड़ा की घटना है ये। और इस नहर में पानी नहीं है, आप अंदर जाके देखो पानी कितना, बताओ इसमें पानी कितना चल रहा है। खेतों में पानी क्या जाएगा, इस नहर के अंदर पानी ये है, पानी ये इतना कितना पानी चल रहा है बंद। वो बाकी ये नहर चलनी चाहिए थी फुल है, और पीछे ठेकेदार ने और जइए ने इन दोनों की लापरवाही के कारण आज 4 दिनों से ये नहर बंद पड़ी है। तो इसको जल्दी से जल्दी इस मामले को हल किया जाए और जो किसानों को जो 4 दिन की वो पीछे जो उनका नुकसान हुआ है पानी का, उस 4 दिन के पानी की भी शुक्रवार शनिवार रविवार और सोमवार ये 4 दिन का पानी का हर्जाना भी उनको दिलवाया जाए।